प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि किसान सम्मान निधि का किसानों को लाभ दिया जाए, जिसके लिए जनपद स्तर पर अधिकारी किसानों को चिन्हित करके डाटा उपलब्ध करवाएं, जिससे किसानों को योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा, अभी तक कहीं से भी सही डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जाए, इसलिए ब्लॉक स्तर पर चौपाल लगाया जाए, जिससे लोगों को योजना के बारे में पता चल सके। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, सीडीओ संजय कुमार मीना, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सैकड़ों लोग आएंगे उसको लेकर के, वहाँ पे उनको कुछ कंज्यूम करेंगे। कानपुर में जो बात है वो उनको देखने के अंदर ये भी चीज देखने की बातें बहुत आवश्यक है। मैं इसमें एक से आश्चर्यजनक चीजें भी देवी पाटन का मंदिर अपने आप में शक्तिपीठ है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक पूरे क्या शक्तिपीठ में एक पूरी शक्तिपीठ है, तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो काम धेनु गाय में जो कि बगैर न्यायी गाय उसको लगातार दी गई, मैंने ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं कि उसको लगातार कंटिन्यूअस देयर इज नॉन स्टॉप। अब ये एक लोगों के लिए उत्सुकता का विषय हो सकता है, लोग देखने के लिए कामधेनु को उसका मैंने एक आश्चर्य की चीज को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं, मंदिर भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ पे दो बरगद के पेड़ मुझे मिले जो मुझे बताया वहाँ पे उसको मैंने ऐसे फॉरेस्ट पर रखा उसकी कार्बन डेटिंग कराने को, बताया जाए 500 साल से भी ज्यादा पुराने। अगर 500 साल से ज्यादा पुराने बरगद के वृक्ष है और उस पर आज भी फूटिंग हो रही है, ये अपने आप में आश्चर्य है। क्योंकि हमने हर चीज का एक अनुभव जाता है इतने सालों तक उस पर फूटिंग हो रही है, ये मैंने अभी कार्बन डेटिंग करने को कहा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको लोगों की वहां पर स्थानीय लोगों की बहुत तस्वीरों को जानकारी पहुंच ऐसी नई चीज देखना चाहते हैं। पीछे जैसे मैंने सुल्तानपुर में बात की थी, एक बड़े बटवृक्ष की बात की थी, उसको एक ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको ले रहा है। ऐसी चीजों से हम लोग टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। वहां पे मंदिर है, मंदिर में आपको आसपास में सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले ऋषि में चेक को आता है कि वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो मंदिर क्या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बना सकते, उतने लोगों को एक रोजगार मिले। तो इसके बारे में क्या सोच किया है। वहाँ मुझे बातचीत में पता चला कि वहाँ के जंगल में जो SSB के कमांडेंट थे रावत, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ ऐसा ट्री है जो कि लोगों को मिलता नहीं, दुर्लभ ट्री, और वहाँ जाने के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक करना है। तो क्या हम ट्रैक करके उसको लोगों को बनाए ट्रैकिंग रूट बना सकते हैं, कि इंटरेस्ट ऐसी एक नया चीज क्रिएट कर सकते हैं कि लोग जाए जाके देखें और देख करके वो उनकी लर्निंग हो। उसी बहाने आपको फॉरेस्ट में लोगों को वॉक करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये क्या कुछ ऐसी नई नई चीजें हम लोग कर सकते हैं। ये आपको हर एक जिले में, हर एक नहीं बल्कि हर जिले में ऐसे बहुत सारी चीजें थे। पीछे मैंने बात किया था कि आपको नीम कौड़ी के बाबा का जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, फरुखाबाद में उसको जो है जानकारी देना। पीछे महोबा के डीएम ने इसके बारे में प्रेजेंटेशन किया था